नमस्कार आप सभी को। खास तौर पे आज मैं बात करूंगी स्किन और अपने चेहरे के बारे में, जो एक ग्लो आना चाहिए। स्किन पे डलनेस लगती है, मतलब आपके नैन नक्श भी अच्छे, उसके बावजूद भी बोलते हैं ना कि चेहरे पे तेज नहीं है, ग्लो नहीं है। ये सब कारण बहुत सारे रीजन से होता है, लेकिन ये हमारा स्पिरिचुअल चैनल है तो मैं ग्रहों से रिलेटेड भी आपको ये सारी बातें बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं डेली रूटीन में। स्किन की जिसको प्रॉब्लम है, खास तौर पे चेहरे पे, चेहरे पे बिल्कुल ग्लो नहीं है, ऐसा लगता है एकदम ड्राई है और मतलब सुरूखा सूखा चेहरा है, ओवरऑल ज्यादा ही पिंपल्स है। पिंपल्स हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है स्किन से रिलेटेड। चेहरे पे ग्लो नहीं है जैसे कि मैंने बताया, तो वो शुक्र से रिलेट करता है, राहु से तो रिलेट करता है, शुक्र से रिलेट करता है, चंद्रमा से रिलेट करता है और गुरु से भी रिलेट करता है। तो अब आपको एक मैं बेस्ट पैक बता देती हूँ। तो आपको प्रैक्टिकल, आपने ये पुराने जमाने का उपटन आपने सुना ही होगा, मुल्तानी मिट्टी बेसन। तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लो या तो बेसन ले लो, क्योंकि देखिए बेसन रिलेट करता है गुरु से। फिर आप उसमें हल्दी डाल दो, वो भी रिलेट करता है गुरु से। उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, कच्चा दूध, वो आपका शुक्र से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सारे ग्रह आ जाएंगे। तो ये पैक आप कोई भी लगा सकता है, इसके उपटन से आप नहा भी सकते हो। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा बेसन, उसमें चुटकी हल्दी, ज्यादा हल्दी नहीं, थोड़ा सा नींबू आप डाल देंगे, हल्का सा कच्चा दूध आप डाल देंगे, गुलाब जल आप डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप बना दें, इसका घोल तैयार कर लें, इसको अपने चेहरे पे आप लगा दें। हफ्ते में एक बार भी लगाया तो भी ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई दिन नहीं है कि ये पर्टिकुलर दिन पे लगाना, कोई भी दिन पे आप इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके प्लैनेट्स तो अच्छे होंगे, प्लस स्किन के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्किन की आपको ओवर प्रॉब्लम है तो लेमन आप अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो जलन होगी आपको। फुंसियां सपोज आपने आपकी निकली हुई है तो वो जलन होगी आपको, हार्ट करेगा। तो ऐसे में अगर पिंपल्स की समस्या है तो वहां पे आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजिली आपको ये अरोमा की शॉप पे या जहां पे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अरोमा का ऑयल आता है, इसमें टी ट्री ऑयल करके आता है, वो आप इस्तेमाल, एक दो बूंद आपको सिर्फ डालना है, उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे। बेसन या मुल्तानी मिट्टी आप ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं, आप मिक्स भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये चीजें आप करेंगे, इसका पैक तो आपको करना है। अब आपको क्या करना है, नहाने के बाद हर गुरुवार को या कोई भी दिन पे आप हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगा देंगे, ठीक है। इससे गुरु भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब शुक्र की बारी है, जैसे अभी आपको क्या करना चाहिए, मीठी चीज, मीठी कोई भी चीज होती है ना, वो आपको खिलानी है। तो मैं कई बार देखिए आपको बोलती हूँ ना कि आप जाके शक्कर जाके चींटियों को जाके डाले, तो उससे आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है, और उससे आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा। तो स्वीट आप जितना हो सके दीजिए, और जरूरी नहीं कि आप चींटियों को दे, आप चींटियों के साथ साथ किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, गुरु से रिलेटेड मुझे एक और चीज याद आई जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए गुरु कौन होते हैं, गुरु जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जो ज्ञान होता है ना उसकी चोरी करते हैं, ये करना भी पाप होता है, उससे आपका गुरु ग्रह खराब होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, सपोज गुरु ने आपको जो सिखाया तो आप अपना एक्सपीरियंस उसमें जोड़िए, उसमें हार्डवर्क कीजिए, और उसके बाद अगर वो नॉलेज आप आगे देते हैं तो आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी अच्छा हो जाएगा, और आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, बरकत भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आपको सिर्फ हार्डवर्क करने की जरूरत है। चंद्र आपको स्ट्रांग करना है तो आपको क्या करना चाहिए, पूर्णिमा वाले दिन उपाय करने चाहिए। चंद्रमा को कैसे स्ट्रांग आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी हमारे चेहरे से रिलेट करता है, हमारी ऊर्जा से रिलेट करता है। तो जैसे जो मदर्स हो गई, आपकी मम्मी के उम्र के बराबर या आपकी खुद की मम्मी होगी, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट आपको करनी है, ठीक है। अगर हो सके तो उनसे थोड़ा सा कच्चा चावल लेके हमेशा अपने पास रखें, हर दो तीन महीने में उसको चेंज करते रहे। वो कच्चे चावल आज जाके कहीं पे भी बाद में डाल सकते हैं या भिगो के बाद में पक्षियों को खिला सकते हैं। तो चावल, उनसे कच्चे चावल आप थोड़े थोड़े टाइम लिमिट में अपने पास दो तीन महीने में आप उनसे लेते रहे, ठीक है। बहुत लोगों की हो सकता है कि मम्मी नहीं हो तो वो क्या करेंगे। तो एक और चीज भी आप कर सकते हो, जो मां समान है उनसे भी आप ले सकते हो, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, कोशिश करें कि आप उनके पैर छुए या उनसे आशीर्वाद आप ले, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चंद्र को देख के मेडिटेट करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे एक अंदर से वो मतलब फीलिंग मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं चंद्रमा से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं चंद्रमा को जब देखती हूँ तो मुझे उसमें इमेजेस दिखने लग जाते हैं, मतलब मेरा इंट्यूशन पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो चंद्रमा को आप जैसे रात को देखें पूर्णिमा वाले दिन,
पांच मिनट दस मिनट बस देखते रहे, कुछ भी आपको सोचना है आराम से शांति से उसको निहारते रहे। समुद्र को जो लहरें होती है उससे देखना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। समुद्र जैसे मैं, मुझे ये भी चीज बहुत ज्यादा पसंद है, मैं समुद्र जैसे किनारे गई तो मैं सिर्फ और सिर्फ दूर से, मुझे पास जाना अच्छा लगता है लेकिन दूर से मैं लहरों को देखती रहती हूँ, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। हालांकि मैंने इसको बाद में रिलेट किया, मुझे तो ये पहले चीज ये पसंद थी। ठीक है, पानी का इंटेक आप ज्यादा कीजिए। वैसे भी माना जाता है कि पानी अगर आप ज्यादा पियेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। जो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ना उनके चेहरे पे हमेशा ग्लो अच्छा रहता है, बीमारियां भी खत्म हो जाती है क्योंकि आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते चले जाते हैं। नॉर्मल पानी, मैं साधारण पानी की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं फिटकरी वाला पानी पीती हूँ। कैसे कि हल्का सा चुटकी भर जो फिटकरी होता है उसको मैं मटके में डाल देती हूँ या कंटेनर में डाल देती हूँ, 24 घंटे के बाद वो पानी पीने में इस्तेमाल करती हूँ। नॉर्मल ये पानी का मैं इस्तेमाल करती हूँ, फ्रिज का भी पानी नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और फिटकरी क्या करता है, बुध को भी अच्छा करता है। ठीक है, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो ये पानी भी आप पी सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा प्लस आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रिलेट करती, देखिए ये सारी चीजें ना हमारे घर में ही है। अच्छा, ओवरऑल मैं ये भी बता दूं कि शरीर पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैंने तो चेहरे की बात की लेकिन आपको स्किन की प्रॉब्लम सपोज ओवरऑल आपके बॉडी पे है या कुछ ना कुछ आपको स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं वो केतु से भी रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु सर का हिस्सा हो गया लेकिन बाकी का जो शरीर है वो केतु से रिलेट करता है। आपको नॉनवेज थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन अगर आप खाते ही हैं तो आप राहु केतु में खराब है तो कम कर दीजिएगा, जितना हो सके आप कम करेंगे तो अच्छा है। उस केस में भी आपको ज्यादा हो सके तो फीड करना है, जितना हो सके आप पशु पक्षियों का फीड करेंगे, किसी को आप हर्ट नहीं करेंगे। और हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर केतु से रिलेट ऐसा भी माना जाता है कि जितना हो सके लेस केमिकल वाली आप चीजें इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। नेचुरल चीजों का आप अपने शरीर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि उपटन लगाना हो गया, है ना, ये चीजों का आप यूज करेंगे तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। अच्छा, बुध के लिए रिलेटेड मैं आपको और एक चीज बता दूं, बुध अगर आपको अच्छा करना है तो एलोवेरा जेल आप स्किन पे अपने लगा सकते हो। आप एलोवेरा का जूस कभी कभी पी सकते हो, जरूरी नहीं आपको सूट करे तो ही लेना, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता रही जो आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। पुदीने का आप इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, धनिया का आप इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, लीफी वेजिटेबल्स जैसे हो गए वो ज्यादा आप इस्तेमाल कीजिए खाने पीने में, तो इससे आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बुध क्या होता है, हरा, ये हरी चीजों को आप खाइए, हरा मूंग हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, चेहरे पे जैसे मैंने एलोवेरा जेल बताया, पुदीने का पेस्ट हो गया, तुलसी हो गई, है ना, तो ये सारी चीजें हरी है तो ये आपके स्किन को भी अच्छा करेगा प्लस चेहरे को भी अच्छा करेगा। ओवरऑल स्किन की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए तो फ्राइड फूड हो सके तो बंद ही कर दीजिए या उसको कम कर दीजिए। स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, ये चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेकअप जितना हो सके आप कम करेंगे, ऐसे में मेकअप रिमूवल की चीजें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि टोनर हो गया, क्लींजर हो गया, ये यूज करना अच्छा होता है। लेकिन अब जैसे मैं भी क्या करती हूँ, मेकअप बहुत मिनिमल, मेरे स्किन पे कुछ भी नहीं है। मैंने एक पहले के वीडियो में बताया था इंदु आहूजा चैनल पे कि मैं बेबी लोशन यूज करती हूँ, वो भी दिन में एक बार, बेबी लोशन जिसमें कि केमिकल्स होते ही नहीं है। मैं बालों में भी कई बार जो शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ बेबी का जो होता है ना वही मैं शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ जिसमें कि केमिकल्स नहीं होते या कम होते। देखिए केमिकल्स तो वैसे भी स्किन के लिए या बालों के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते, एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका ग्लो भी चला गया, आपके बाल भी झड़ रहे हैं। तो वैसे भी केमिकल्स का यूज प्रैक्टिकली भी आपको कम ही करना चाहिए, जितना हो सके नेचुरल में जाना चाहिए। तो जिसमें कम केमिकल्स हो ऐसे शैम्पूज आप यूज करें, ऐसे क्रीम्स आप यूज करें। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर लगा के बैठी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं यूज किया, कोई मेकअप मैंने यूज नहीं किया है। तो जितना हो सके मिनिमल मेकअप आप यूज करें, नेचुरल आप रहे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा और लगेगा लेकिन आप जब ये चीजें इस्तेमाल करोगे ना ऑटोमेटिक देखिए आपके चेहरे पे ना ग्लो आता चला जाएगा, क्योंकि आपने नेचुरल रेमेडीज आपने अप्लाई करना शुरू कर दी। एक और चीज आप कर सकते हो, बुध आपको अच्छा करना है तो जैसे अपने घर में ना प्लांट्स आप लगा दीजिए, इंडोर प्लांट्स लगाना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। आप इंडोर प्लांट्स नहीं लगा सकते तो आप ग्रीनरी में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, घास पे आप थोड़ा सा चलिए, तो ये बुध ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। वीनस तो अच्छा करता है, बुध भी अच्छा करता है पर्सनालिटी को।
है ना, कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बहुत ज्यादा सुपर्ब कर लेगा, एडुकेशन में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बुध को आप इस तरीके से, ये प्रैक्टिकल रीजन से आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड मैं एक चीज भूल गई थी जो मुझे आप लोगों को बोलना था, वो ये था कि कबट आपका हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए जहां पे आप कपड़े रखते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, कबट खोला और धन 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 कपड़े नीचे गिर गए, आपका इससे शुक्र खराब होगा। तो आपको क्या करना है, कपड़े हमेशा उसको लपेट के अच्छे से आपको रखना है, जो भी फटे हुए पुराने कपड़े आपको घर में नहीं रखने, आपको उसको निकाल देना है। और कॉस्मेटिक्स अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे तो हमेशा आपका जो ड्रॉर है कॉस्मेटिक्स का और ज्वेलरी का, भले आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खास तौर पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है, ऐसे सब एक डब्बे में लेडीज कई बार भर के रख देती हैं, सब ऐसे ड्रॉर खोला सारा एकदम पूरा बिखरा हुआ, कुछ भी चीज मिल नहीं रही, इससे भी शुक्र खराब होता है। तो कॉस्मेटिक्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आपको अच्छे से बना के रखना है, इससे भी आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए सूर्य नमस्कार अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा। लेकिन जो खड़े होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते तो आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। आप जाके YouTube पे जाके सर्च करोगे ना चेयर सूर्य नमस्कार, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उसमें जो जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं आप वो बैठे बैठे चेयर पे कर लो। तो चेयर सूर्य नमस्कार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें एक आध आपको लग रहा है कि नहीं आप बैंड कर सकते तो आप उतना पार्ट छोड़ देना, जितना आप कर सकते हो उसमें से कर लेना, ठीक है। 12 सूर्य के नाम लेना भी बहुत अच्छा होता है। देखिए सूर्य से क्या होता है, ओवरऑल आपके तेज आपका बढ़ता है, आप फेमस हो जाते हो और अपने आप ही जो आपकी ऑरा है ना वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो आपको अगर सूर्य अपना अच्छा करना है तो आपको फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फादरी इमेज के जो भी आपसे बुजुर्ग हैं कभी भी उनको अपशब्द नहीं बोले, उनके रिस्पेक्ट करें, उनका आशीर्वाद लें। तो सूर्य आपको भी ओवरऑल अच्छा करना, ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे। अगर सूर्य को आप जल नहीं चढ़ा सकते तो मैंने कहा था कि सूर्य मेडिटेशन, जो कि मैंने पहले के एक वीडियो में बताया था, आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे से पहले सूर्य के आगे कोशिश करें। आप सूर्य को देख पाए तो ठीक है, नहीं देख पाए तो आंखें बंद करके आपको ऊपर मुंह करना है और ये इमेजिन करना है कि सूर्य की सारी रोशनी आपके अंदर आ चुकी है, आप ट्यूबलाइट की तरह पूरी तरह से शाइन कर रहे हैं, आपके आसपास पूरी रोशनी निकल रही है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, आप जब बात करोगे ना बहुत क्लियरली और अच्छे से बात करोगे। जिनके बात करने में हकलाने की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो इंट्रोवर्ट है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल मतलब बहुत एडुकेटेड है, बहुत अच्छे वो पहुंचे हुए, लेकिन जब वो सामने मिलता तो कोई उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी ऊर्जा जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं रहती। तो ओवरऑल पर्सनालिटी भी आप देखेंगे तो अरे उसकी पर्सनालिटी में इतना चार्म ही नहीं है, तो कैसे दिख रहा है या ये कैसे दिख रही है। फिर जब वो बात करते अपने बारे में बताते, अच्छा इनको इतना सब कुछ पता है, हमने तो सोचा ही नहीं था, मतलब वो सूर्य वीक है। इससे नाम भी अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको सूर्य अपना अच्छा करना, तो ये टेक्निक से आप सूर्य अच्छा कर सकते हैं। एक और मैंने वीडियो डाला हुआ है सन वाटर थेरेपी, तो सन वाटर थेरेपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप साइड बाय साइड करना चाहते हो आप कर सकते हैं, वो ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओम ग्रीनी सूर्य नमः आपके लिए मंत्र बहुत ज्यादा अच्छा है, इस मंत्र का जाप आप करते चले जाएं, आप ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, यह शुक्र का मंत्र है, एक ही आप बोलेंगे। दूसरा मैंने सूर्य का मंत्र बताया ओम ग्रीनी सूर्य नमः, एक ही आप ये करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। विटामिन सी जितना हो सके आप अपने फूड में इंक्लूड कीजिए, इससे भी आपकी स्किन अच्छी होगी और आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन सी नेचुरल तरीके से किस में मिलता है, ऑरेंज में होता है, आंवला में होता है, नींबू में होता है ना, ये चीजें आप ले सकते हो। तो ये चीजें लेने से आपका विटामिन सी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे आंवले में तो आप आंवला सूखा भी खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हो, इससे भी आपका जो विटामिन सी है वो जो बॉडी में अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आज की तारीख में विटामिन सी खाना तो बहुत ही अच्छा है कोविड के हिसाब से भी। कॉन्स्टिपेशन जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने दीजिएगा। एकदम भी डार्क कपड़े या एकदम भी लाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, जितना हो सके मीडियम कलर के कपड़े आपको पहनने हैं। स्किन आपको अच्छी करनी है, बाल अपने अच्छे करने हैं, तो नमक और शक्कर थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और दिन में एक बार कम से कम गुनगुने पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में हल्दी थोड़ा सा चुटकी भर डाल के आप जरूर से पी लें। दिन में
अगर सपोज एक बार भी आपने पिया तो बहुत हो गया, लेकिन आप उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ही लीजिएगा, रोज भी नहीं। कई बार क्या होता है, रोज लेने से भी गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है। आप हल्दी वैसे खाते होंगे, खाने में खाते होंगे, लेकिन अलग से अगर आप पानी में डाल के लेते हैं तो उससे भी आपका गुरु बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बुध भी आपका अच्छा हो जाए, पानी आपका रिलेट करता है चंद्र से भी, वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे प्लैनेट से भी रिलेट करती है और हेल्थ से भी रिलेट करती है। तो ये सब चीजें अगर आप छोटी छोटी टिप्स अपने लाइफ में फॉलो करते रहेंगे तो इससे बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके मैंने अपने वो सारे नॉलेज की बातें आपको मैंने कोशिश की कि मैं शेयर करूं, घर बैठे बैठे आपके काम होने लग जाए और आपके ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों के काम होने लग जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।